इंडिया गठबंधन बना है। लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका, और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उस प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव, जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां आकर के। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले, ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन, डबल इंजन से कुछ नहीं होता,
इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।